ये यहाँ क्या कर रही है? मैं लाया था यहाँ इसे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो आपने सुना, एलिफ यहीं सोएगी। सलीम, ये मेरी बेटी का कमरा है, तुम्हारी भतीजी का, भूल गए हो क्या? मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं आपको। तुम कैसे इसे टूचे के साथ रख सकते हो? ये कमरा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का है। ये बच्ची आयशा आपा की अमानत है और इसकी हिफाजत हम सबका फर्ज है, समझिए आप। ओ अच्छा, जब देखो आयशा आपा, आयशा आपा, भूल गए हो ये कमरा मेरी बेटी का है। भाभी, शायद आप ये बात भूल रही हैं कि आयशा आपा के बेहद एहसानात हैं हम पे। एलिफ उनकी अमानत है और इस बच्ची का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है, इसके लिए इसी कमरे में रहना अच्छा है। और इस बात पर किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। चाचू, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बेटा, ये देखो क्या लाया हूं मैं। ये! दिखाओ मुझे भी। अच्छा लगा ना तुम्हें? खुशामदीद बाबा। ज़ैनब, ऐसे खड़ी क्या देख रही? पापा का सामान उठाओ। लाए बाबा, मैं लेकर जाता हूँ, आप इसकी फिक्र ना करें, इसका तो हमेशा मूड खराब रहता है। कहाँ है ये लड़की? एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो तुम? वो मैं सो रही थी मैडम, सोते में अब कैसे नजर रखूं उस पर? मेरे सामने बहाने मत बनाओ। मैं टूचे के कमरे में गई तो लंबी तान के सो रही थी एलिफ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं सो रही थी। घर की जरा भी देखभाल नहीं की हुई, औरतों का काम होता है। हाँ बाबा, बहुत खराब हालत में है ये घर। खैर, सारा कर लूंगा, मरम्मत करवा लेंगे। वैसे भी सर के ऊपर छत तो है ना, और क्या चाहिए हमें? कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे बाबा। हाल देखो इनका, ये घर ठीक करेंगे, पहले खुद को तो ठीक कर लें। हेलो, मैली साहब, तस्लीम बोल रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? मैलिक, क्या हुआ है मैलिक को, बताओ मुझे। मैलिक को किसी ने फंसाया है मैली साहब, उस बिचारी का तो कोई कसूर नहीं। क्या बोल रही हो, क्या मतलब किसने फंसाया है उसे? उस पर पैसे चुराने का इल्जाम लगा है, लेकिन उसने कोई पैसे नहीं चुराए। उसकी कोई गलती नहीं है। कहाँ है वो अभी? क्या वो वार्ड में है? नहीं, सजा के तौर पर उसे अलग बंद कर दिया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और मेरा कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। आप दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो। बच्चों, जरा घूम के दिखाओ दोनों मुझे, मैं भी तो देखूं कैसा लग रहा है। एलिफ, देखो मेरे बालों की तरह घूम रहा है। काश मेरे कपड़ा आयशा खाला देखती तो वो खुश होती। इधर आओ बेटा,
देखो एक बात बताता हूँ, अगर तुम खुश रहोगी तो आयशा खाला भी खुश रहेंगी, जानती हो तुम? सच में? कैसा शोर है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्मी देखें, ये ड्रेस अच्छा है ना? कहाँ से आया ये सब? ये सलीम लेकर आया है आरजू। हाँ अम्मी, चाचू ने हम दोनों को गिफ्ट दिए हैं। सलीम, बाबा ये बताएं मेरा दोस्त कैसा है, उसने आपका ख्याल तो रखा ना? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। उसे कॉल करके उसका शुक्रिया अदा कर दूंगा। मैं कॉलेज आ रही हूँ। जाओ 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 बेटा, बोल तो ऐसे रही हो ऐसे बहुत तीर मार लोगे पड़ गए। सुनो, वो काम की खबर जो तुम्हारे पास है वो बताओ। बाबा जिसका सैनब से चक्कर चल रहा है, जानते हैं वो लड़का कौन है? कौन है वो? आप खुद ही देख लें। ये क्या है? बाबा ये लड़का कोई और नहीं बल्कि केनान का भाई है और एलिफ का चाचा है। ये सब जानते हुए भी उसने चक्कर चलाया? जान से मार दूंगा, भले ही वो मेरी बेटी क्यों ना हो, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। नहीं बाबा, पुरसुकून हो जाएं। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? कैसे हो जाऊं मैं? लोमड़ी है, मेरे पीछे ये गुल खिला रही थी वो। बाबा सुने, ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं देख लूंगा इस मामले को। देखिए मैं समझता हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सलीम साहब, आपको कोई काम था क्या मुझसे? एलिफ ने नाश्ता कर लिया क्या? वो अपने नए कपड़ों की खुशी में आज तो नाश्ता करना ही भूल गई। ध्यान रखिएगा कि वो भूखी ना रहे। क्या हुआ सलीम? कुछ नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो बच्ची एक नौकरानी लाई थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है कि उसने नाश्ता किया है या नहीं? खैरियत तो है ना? भाभी बोलने से पहले सोच लिया करें, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि दोबारा मैं ऐसा ना सुनूं। तो उसने ये कहा, वो नहीं जानती इन सब बातों के बारे में। मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है, वरना ज़ैनब शादी के दिन अरकुद भाई को आखिर क्यों छोड़कर जाती? सोचे जरा क्यों। हाँ, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है उसने। हाँ, और कहती है कुछ नहीं जानती वो, बहुत चलाक है, आज तक छुपाती रही बात हमसे। क्या बात है ज़ैना। यार बाबा फिक्र क्यों करते हैं आप, उस पे नजर है मेरी। तो वो लड़का जानता है क्या कि ज़ैनब कौन है? लगता है नहीं जानता। जब मैंने ज़ैनब को कहा कि मैं उसे बता दूंगा तो मना करने लगी, मेरे आगे भीख मांगने लगी थी वो। और हाँ, वहां मैं एलिफ को ढूंढने गया और कितनी बड़ी खबर साथ लाया। उसे पता होगा, वरना वो शादी के बाद क्यों आता? नहीं बाबा, मुझे नहीं लगता कि उसे इस बारे में कुछ पता होगा। देखें, आपका बेटा किसी खुफिया एजेंट से कम नहीं है, शेरलॉक होम्स को भी पीछे छोड़ दिया मैंने। हाँ मान गए तुम्हें, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, और हाँ भूख बहुत लगी है, खाना भी ले आओ। और सुनाओ ज़ैनब, कैसी हो तुम? मेरी क्लास है, प्लीज मुझे तंग नहीं करो। अरे सिर्फ क्लास ही लेने जा रही हो ना, कहीं फिर से उस लड़के से तो मिलने नहीं जा रही तुम, वरना क्या अंजाम होगा।
जानती हो ना। कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं कर रहा है उसकी, अचानक क्या हो गया है? उसके लिए मुझसे बदतमीजी कर रहा था। कहीं उसे नहीं, नहीं नहीं गौंजा, गौंजा। जी आरजू मैडम। जल्दी से मेरे रूम में आओ। जी बोलिए। आयशा जब हॉस्पिटल में थी तो कॉल किसने की थी तुम्हें? सलीम साहब ने। इसका मतलब है आयशा ने मरने से पहले सलीम को सब कुछ बता दिया होगा। बिल्कुल, मतलब हो सकता है। उफ़ गौंजा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? आयशा जब से मरी है सलीम अलिफ के आगे पीछे घूम रहा है। आगे पीछे घूम रहे हैं? बिल्कुल नहीं मैडम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है सलीम इस सब के बारे में जानता है। कुछ भी करके इस बारे में पता करो। हो सकता है मरने से पहले ये जिम्मेदारी उन्होंने सलीम साहब को दी हो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अब आज से तुम सलीम पर नजर रखोगी। वो अलिफ के साथ क्या बोलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सब तुम पता करोगी। एक एक बात मुझे बताओगी। ठीक है। कुछ पता चला ऑफिसर? किनान साहब, हम तफ्तीश कर रहे हैं। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। देखें, आयशा की मौत से इस फोन कॉल का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, मुझे यकीन है। ये मुझे इत्तेफाक नहीं लगता। आप इसकी प्लीज इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बिल्कुल सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस तरह के केस में मुजरिम को ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है। क्या कोई सबूत नहीं मिला आपको? सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेफिक्र हो जाए, हम आपसे रابطے में रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। ये क्या है चाचू? ये टेलीस्कोप है बेटा। टेलीस्कोप, ये क्या चीज है? इस टेलीस्कोप के जरिए हम दूर की चीज को करीब से देख सकते हैं। जो बहुत दूर होती है वो भी? क्या मेरी अम्मी दिखेंगी इससे? नहीं मेरी जान। तो फिर आयशा खाला दिखेंगी, उन्हें देख सकती हूँ मैं? नहीं, इससे हम दूर मौजूद सितारे देख सकते हैं। लेकिन वो कैसे? क्या इससे सितारे हमारे पास आ सकते हैं सलीम अंकल? हाँ, दिखाता हूँ मैं। ये होल देख रहे हो, उसमें एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखना होता है। इसका मतलब हम सितारों को हाथ भी लगा सकते हैं। हाँ, चाचू स्टार्स को टच भी कर सकते हैं ना? बच्चों, अगर इसमें रस्सी लगा दें तो ये जरूर सितारों को खींच लेगी। क्या हुआ गौंजा, कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं सलीम साहब, वो मैं अच्छा, तो हम रात में इसे सितारे देखेंगे। रात में नहीं चाचू, हम अभी देखना चाहते हैं। सबर बेटा, पहले सीख तो लो कि ये काम कैसे करता है। ये देखो। Hehehehe
जी कहिए। मलिक को जो सजा दी जा रही है उसके बारे में बात करनी है मुझे आपसे। मैं समझा नहीं। क्या आप नहीं जानते ये बात? मैं तो ये आपसे ही सुन रहा हूँ। कोई उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है उन पर। वो ऐसी खातून नहीं जो चोरी चकारी करें, किसी ने फंसाया है उन्हें। इस बारे में आपको कैसे पता चला? सुबह मुलाकात के लिए आया था और मालूम हुआ कि उन्हें कैद में रखा हुआ है। अच्छा, देखिए जनाब, इस मामले को फौरन हल करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा मेली साहब, लेकिन मिस मलिक से क्या ताल्लुक है आपका? वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं जनाब। इकबाल को फौरन भेजो। मुझे बाहर निकालें, मैंने चोरी नहीं की, यकीन करें। बस बस, चुपचाप होकर अपना खाना खाओ। सोच सोच कर मेरा खून खोल रहा है। बस करें यार, हमेशा ही खून खोलता है आपका। ज़ैनब को सब कुछ पता था कि वो एलिफ का चाचा है। हमारे मुंह के ऊपर झूठ बोलती रही आज तक वो। देख जा तुम, टांगे काट दूंगा उसकी मैं। अगर यार को शादी कर लेती तो हमारे दिन बदल जाते, माला माल हो जाते हम। मेरी आंखों के सामने ही ये लड़की ये खेल खेल रही थी। बस करे बाबा, सब जानता हूँ मैं। ये सब उसे मलिक ने सिखाया है, उसी की चमची है ये। ये तरबियत दी है उसने उसे। इकबाल, वार्ड नंबर 820 में क्या हुआ था? मिस मलिक को कैद किया है? यस सर, उस लड़की ने पैसे चुराए थे तो मैंने उसे। मुझे इस बात का इल्म क्यों नहीं? ये तो रोज का काम है, आपको तंग करना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो वार्ड में पैसे चोरी हुए हैं और आपने मुजरिम को ढूंढ भी लिया, उसे कैद भी कर लिया, मुझे बताए बगैर ऐसा क्यों किया? सर वो मैं। कब से आप यहाँ के फैसले खुद से करने लगी हैं? क्या ये बात मैं पूछ सकता हूँ? उन्हें फौरन कैद खाने से निकाले। इस मामले की तफ्तीश मैं खुद करूंगा, अब सबसे पूछताछ की जाएगी और जो कसूरवार होगा उसे सजा भी दी जाएगी। जाए उन्हें बाहर निकाले। बहुत शुक्रिया आपका। चलो उठो, बाहर आओ। बहरी हो गई हो या ये जगह पसंद आ गई है? चलो। अरे चलो भी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सलीम पर नजर रखने को कहा था ना मैंने। आलिया साहिबा के लिए कहवा बनाने आई हूँ। हाँ ठीक है, एलिफ के बारे में कुछ पता चला? वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकी मैं। सोचा था मलिक से जान छूट गई, अब सलीम सर पर आ गया है। अगर वो सच जानता है तो वो आयशा और मलिक दोनों से ज्यादा खतरनाक है। मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी करना पड़े सच पता करो। समझ गई ना तुम? शायद अब इसको सबक मिल गया होगा। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया उसको फंसवा कर। अब कुछ दिन सड़ती रहेगी उस कैद खाने में। हाँ
ये क्या, बड़ी जल्दी बाहर निकाल दिया इसको। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कीस नाजी। और से सुनो, उस लड़की से अब थोड़ा दूर रहना। क्यों, क्या हुआ? उसके पीछे कोई बड़ी सपोर्ट है। अब अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। मुझसे कोई तवक्को मत रखना। चलो अब। चाचू देखें, पसंद आया तुम्हें? बिल्कुल हॉर्स की तरह है ये तो। मैं कभी हॉर्स पर नहीं बैठी। तो तुम बैठना चाहती हो हॉर्स पे? जी सलीम अंकल, मुझे हॉर्स पर बैठना है। तो ठीक है, फिर अस्तबल चलते हैं, मजा आएगा। बहुत खुश लग रही हो। सलीम को देख के आ रही हूँ, दोनों बच्चियां बहुत खुश है उसके साथ। उन्हें आयशापा की कमी महसूस नहीं होने दे रहा। सलीम को भी उसी ने पाला था और बहुत प्यार करता था। बस क्या कहें, बहुत मुश्किल है भुलाना आयशा को। समझ नहीं आता क्या कहूं। उसका कहना है कि अलिफ आयशा आपा की अमानत है और हमारा फर्ज है उसका ख्याल रखना। कुछ और तो नहीं चाहिए? दादी जान, चाचू हमें अस्तबल लेकर जा रहे हैं। नहीं बेटा, सर्दी है, ठंड लग जाएगी तुमको। टूचे, नीचे चलते हैं हम, तहखाने से ऊन निकाल कर लेके आएंगे। क्यों? तुम दोनों के लिए स्वेटर बनूंगी। मामा ये क्या कह रही हैं आप? अभी अभी तो आप बीमारी से उठी हैं, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। बेटा मसरूफ रहोगे तो शायद आयशा को खोने का गम भुला सको। आयशा को नहीं भुला पा रहे। लेकिन दादी जान, मुझे अस्तबल जाना है, मैं जैकेट पहन लूंगी ना। या अल्लाह, ये अस्तबल का ख्याल तुम्हें कहाँ से आ गया? एलिफ को जाना था, चाचू ने कहा ठीक है हम चलते हैं। तुम्हारा कैब कहाँ है? ये रहा। चाचू मैं भी जैकेट पहन रही हूँ। अच्छा अच्छा पहन लो, आपको छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। चलो बस जल्दी से पहन लो। चलो बच्चों चलते हैं, आ जाओ। गौंजा क्या हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं? उन दोनों को अस्तबल घूमने जाना था तो सलीम साहब उन्हें ले गए। हाँ तो ठीक है ना, तुम यहीं खड़ी रहोगी, उनके पीछे जाओगी तो कुछ पता चल जाएगा ना तुम्हें, इसीलिए यहीं खड़ी रहो। आरजू मैडम, कभी मेरा कहा मानती नहीं हो तुम, ऐसे कहूँगी तो शायद मान लोगी। ठीक है जा रही हूँ। गौंजा तुम जाओ, मैं देखती हूँ अम्मी को। गौंजा कहाँ हो तुम? आ रही हूँ आलिया साहिबा। क्या करूं आखिर, हकीकत क्या है कैसे पता लगाऊं मैं? इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। हाय आयशा आपा, क्यों आई थी आप यहां? आखिर क्या काम हो सकता है? क्या हुआ होगा कुछ नहीं पता। मलिक,
शायद वो कुछ जानती है। क्या हुआ, कैद खाने में सांस नहीं आ रही थी क्या? सांसें रुक ही ना जाएं कहीं इसकी। शर्म करो, वो बेचारी बीमार है, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। देखो तो जरा कितनी नेक बन रही है, लगता है फिल्में बहुत देखती है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बच्ची, आजा गोंजा नीचे चलो और मेरे साथ ऊन निकालने में मेरी मदद करो। अम्मी जान, क्या आप स्वेटर बुनने जा रही हैं? अभी तो आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है, थक जाएंगी आप। फिक्र मत करो बेटा, ये काम तो मेरे लिए थेरेपी है, इससे सुकून मिलता है मुझको। चलो गोंजा। गोंजा से मुझे काम था, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हें क्या पता कौन सी चीज कहाँ रखी है? ठीक है, चश्मा भी रख के आ गई हूँ कहीं, तुम मुझे बुनाई की सुइयों का नंबर बता देना। आ जाओ गोंजा। जी। उफ, उफ। तुझे देखो, वो कितना प्यारा है ना, उसका नाम लारा है। वो लारा नहीं है, इसका नाम है बतुरबे, लारा इससे आगे है। बतुर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बहादुर, जो बहादुर लोग होते हैं जंग लड़ते हैं, तो उन्हें बतुर कहते हैं। पता है सलीम अंकल, मेरी अम्मी को भी हॉर्स बहुत पसंद है। सच में? जी हाँ, वो हॉर्स भी चलाया करती थी, उन्होंने मुझे बताया था। मैं जानता हूँ बेटा, सब जानता हूँ। स्वेटर के लिए काफी है ना? पता नहीं, आप बेहतर जानती हैं। आयशा, इसे पूरा बुन भी नहीं सकी तुम, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमाए। बुनाई तो देखो इसकी कितनी अच्छी है। अम्मी इतना काफी रहेगा, चलो अब चलते हैं गोंजा। रुको, इतना काफी नहीं है गोंजा, सारे गोले बाहर निकाल लो, देखो यहाँ सुइयां भी रखी होंगी, चार नंबर की निकालना, लाओ मुझे दो। तुमने सब कुछ बता दिया है ना सलीम को जैनब? जैनब? नहीं बता सकी, मैं सलीम से सच नहीं बोल पाई गुलना। तुम्हारे भाई की वजह से? अरकुत। अरकुत मतलब? उसने धमकी दी है कि वो एलिफ को किडनैप करेगा। क्या? जी बोलिए। मैलिक से मिलने आया था, वो है क्या? वो तो छुट्टी पे है। वाकई में? तो वो वापस कब तक आएंगी?
यानी छुट्टियां कब खत्म होंगी उसकी? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, शुक्रिया। कहां रह गई है ज़ैनब? कब आएगी वापस? कहीं फिर उस लड़के से मिलने तो नहीं चली गई? बाबा पुरसुकून रहे, वो आ जाएगी। हाँ आएगी आएगी, आ जाने दो, उससे मजा चखाता हूं मैं। आपा बहुत बुखार है, अब क्या करें? इसका एक ही हल है, इसे क्लिनिक ले जाना होगा। मैं बस बताकर जल्दी आई। कहाँ जा रही हो तुम? गार्ड को बुला रही हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे वाह, क्या वाकई? उन्हें कहना इसे सर से पांव तक अच्छी तरह चेक करें। जाओ जाकर वापस बैठो। इसकी हालत बहुत खराब है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बुखार में तप रही है। सांस ले रही है ना, काफी है। तुम्हें इशारे दिए जा रही हूँ पर तुम उनके साथ चली जा रही हो। लेकिन मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? चलो चलो जल्दी से जाओ और अस्तबल में जाकर देखो वहाँ सलीम क्या कर रहा है। यकीनन सलीम कुछ जानता है। तुम जाओ और जाकर पता करो, समझ गई? तो बताएं पहले कौन बैठेगा? टूचे, एलिफ पहली बार यहाँ पर आई है, तो क्या हम उसे पहले बिठा दें? चलिए बाकिर भाई, पहले एलिफ को बिठा लें। अगर अम्मी मुझे हॉर्स पर बैठा हुआ देखती तो बहुत खुश होती। तुम्हारी अम्मी भी एक अच्छी हॉर्स राइडर थी। आरजू साहिबा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा एलिफ के कपड़े कहाँ रखूं? उसके कपड़ों से मुझे क्या? तो फिर मैं टूचे के रूम में रख देती हूँ। बहुत हो गया, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ रख दो। देख क्या रही हो, दफा हो जाओ। कहाँ रह गई ये लड़की? वो आ जाएगी ना बाबा, कहाँ जाएगी? जाहिर है बाहर आराम से वक्त गुजार कर आएगी। हाँ लो आ गई, देखता हूँ मैं। हाँ आ गई आ गई। इधर आओ फौरन। क्या हो गया है? ये तुम मुझे बताओगी। मैं आपको क्या किसी और को भी जवाब नहीं दूंगी, समझे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है? तुम बोलोगी, सब कुछ बताओगी मुझे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ आप क्यों कह रहे हैं ऐसा?
क्या कर दिया मैंने? तुम किनान के छोटे भाई के साथ क्यों होती हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? इसकी बहुत बुरी हालत है। क्या हो रहा है यहाँ? इसे क्या हुआ है? बहुत तेज बुखार है, होश में नहीं है। इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है फौरन। इसे उठाओ और मेरे साथ आओ। ठीक है, चलें जल्दी। कितनी बार एक ही बात बताऊं आपको, सलीम फार्म पे रहता है, मुझे ये बात नहीं मालूम थी। बस करो यार, ये झूठ बोल रही है बाबा, बता रहा हूँ मैं। मुराद बस बहुत हो गया, तुमने सिर्फ झूठ बोला है और कुछ नहीं। चिल्लाओ मत, चुप करो, पहले मैं तुम्हें यही मार दूंगा, उसके बाद उस लड़के के टुकड़े कर दूंगा मैं। बाबा मेरी बात का यकीन करे, कुछ नहीं जानता वो। देखो जरा, अब भी उसी लड़के के बारे में बोल रही है। तुम मुझे हर बात बताओगी अब? एलिफ को तुमने खुद उस फार्म पे भेजा था ना, तुम सब कुछ जानती थी ना। ये कैसे कह सकते हैं? अपनी बातें तो देखें, आप तो कुछ भी नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि वो जेल में है इस वक्त। मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, समझ आई तुम्हें? क्या कर रहे हैं बाबा, छोड़े उसे, ये तो बस बकवास करती है। बात सुनो मेरी, तुम इस घर से कदम नहीं निकालोगी वरना जान से मार दूंगा। चले छोड़े बाबा, आ जाए। बस करे ना चाचू, मेरी बारी कब आएगी बताएं? अच्छा टूचे, थोड़ा सबर करो बेटा। मुझे भी घोड़े पे बैठना है, इंतजार कर कर के थक गई हूँ। अरे बारी बारी बैठोगे ना तुम दोनों। अब टूचे की बारी है। ठीक है बेटा, आओ मैं तुम्हें नीचे उतार। शुक्र है मेरी बारी भी आ ही गई, अब घोड़े पे मैं भी बैठूंगी। थक गई क्या? थोड़ी सी। ठीक है तो फिर चल के थोड़ा आराम करते हैं। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी हो तुम एलिफ बेटा, तुम बिल्कुल नहीं डरी। सलीम अंकल, जब मैं छोटी थी तब से मुझे जानवर बहुत पसंद है, इसलिए मुझे इनसे डर नहीं लगता। जब मैं छोटी थी क्या मतलब? अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो क्या? हाँ अब मैं बड़ी हो गई। सलीम अंकल, मैं किचन में अम्मी के साथ उनकी हेल्प भी करवाती थी। आपको पता है मेरी अम्मी बहुत ही मजे का खाना बनाती है। जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। एलिफ, चाचू। एंजॉय करो टूचे। सलीम अंकल, हम जिस घोड़े पर बैठे हैं वो घोड़े का बच्चा है क्या? नहीं एलिफ बेटा, ये तो दूसरी नस्ल के छोटे घोड़े होते हैं। तो घोड़े के बच्चे कैसे होते हैं? छोटे से होते हैं, घोड़े जैसे लेकिन छोटे। यहाँ छोटे बच्चे नहीं है क्या? बहुत जल्द एक होगा। उफ या अल्लाह, यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं, मुझे फजूल में यहाँ भेज दिया है। उफ, इस ठंड में जम रही हूँ मैं, ये बस यहाँ बच्चों का ख्याल रख रहा है और क्या कर सकता है ये। आरजू मैडम तो बिल्कुल पागल हो गई है। Thank you.
जैनब के साथ रहती हो तुम यहां पर? हाँ। श्योर? वो तुम्हारे साथ नहीं रहता? अलग हो गए हो क्या? समझ गया। कोई औलाद है तुम्हारी? बच्चा तो रुल जाएगा। बच्चा है तुम्हारा? नहीं है कोई। आ गए यहां, जबरदस्ती घुस गए मेरे घर में। किनान साहब, ये यहां कैसे? अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? घोड़े पर कितना आराम से बैठी है ना? क्योंकि उसे आदत है, थोड़े वक्त में तुम भी ऐसी आराम से बैठोगी। काश मेरी अम्मी भी यहाँ होती तो बहुत खुश होती सलीम अंकल। एलिफ, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दूसरा घोड़ा भी दिखाती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ एलिफ, मैलिक आपा को मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारी अम्मी से मिलवा के रहूंगा।